सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, लोगों ने बहुत सारे डाउट पूछे हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक बनाया था कि कैपजेमिनी से रिलेटेड जितने भी डाउट थे काफ़ी मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी, तो आज के इस वीडियो में मैं और भी ज़्यादा आपके डाउट कैपजेमिनी से रिलेटेड क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो सकती है। आप लोग भी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी कमेंट जो है पिक किए हैं और आपके जो डाउट हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सारे डाउट हैं हम बात करेंगे वन बाई वन और आपको मैं आंसर करूँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पहला, प्लीज़ टेल मी वेदर दे विल सेंड अस इंटरव्यू स्लॉट और नॉट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको सिलेक्शन का मेल आ गया है, उसके बाद अभी तक मान लीजिए इंटरव्यू स्लॉट का मेल नहीं आया, तो दोस्तों आपको वेट करना है, आपको इंटरव्यू स्लॉट का भी मेल आएगा। और बहुत सारे इंटरव्यू अभी चल रहे हैं कैपजेमिनी में और हो रहे हैं, प्रोसीजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना है, आपको मेल आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पिक करते हैं, ब्रो प्लीज़ रिप्लाई आई गॉट इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड मेल बट दे नॉट मेंशन द स्लॉट टाइम और डेट व्हेन दे सेंड ब्रो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको भी मेल आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और इंटरव्यू का स्लॉट का भी मेल आएगा। और आपका जो है मेन ये चीज़ है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो राउंड है वो क्लियर हो चुके हैं और इंटरव्यू में आप सेलेक्ट भी हो चुके हैं, तो बस इंटरव्यू स्लॉट का मेल नहीं आया, तो आपको वेट करना है, वो भी जल्द ही आ जाएगा और इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, आफ्टर दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर एक्सेप्टिंग द एलओआई ऑफ कैपजेमिनी इफ वी गेट अ बेटर ऑफर कैन वी ज्वाइन अदर कंपनी। अगर आपको इससे अच्छा ऑफर किसी दूसरी कंपनी में मिल रहा है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बट अगर आपको विप्रो का भी ऑफर है, कैपजेमिनी का ऑफर है, तो मैं आपको यह ओपिनियन दूंगा कि आप कैपजेमिनी ही ऑफर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, ब्रो आई हैव गिवन माई इंटरव्यू टूडे डेट 1/2/2022, वेन कैन आई एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। तो अभी जिनका इंटरव्यू हो रहा है तो उनको भी जो है 15 फरवरी तक मेल आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है, तो इंटरव्यू का भी रिजल्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है और अभी तक इंटरव्यू रिजल्ट का मेल नहीं आया है तो आपको एकदम फ्री हो जाना है, आपका जल्दी ही मेल आ जाएगा। बट आपको दूसरी कंपनी में भी अप्लाई करते रहना है, आपको बिल्कुल भी बैठना नहीं है, क्योंकि 2022 बैच हायरिंग चली रही है और बहुत सारी ऐसी हायरिंग निकलती है, मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेटेड करता रहता हूँ और वहाँ पर भी जैसे फ्री कोर्सेज हो गया, कोई और कंपनी से अगर मान लीजिए हायरिंग निकली है तो वहां पे मैं अपडेट दे देता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे भी आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आई एक्सेप्टेड माई एलओआई इन द मंथ ऑफ दिसंबर बट टिल नाउ आई डिडंट गेट एनी मेल रिगार्डिंग माई अडैप्ट क्रेडेंशियल मेल वेयर सम ऑफ माई फ्रेंड गॉट अडैप्ट क्रेडेंशियल मेल। तो अगर अभी तक मान लीजिए आपका क्रेडेंशियल का मेल नहीं आया, जैसे कि एलओआई आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी अडैप्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो अभी तक आपके क्रेडेंशियल नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हो सकता है लेट मिले। अगर मान लीजिए नहीं मिला अभी तक तो आप अपने जो TNP डिपार्टमेंट है आप उनसे बात करते हैं कॉलेज से, वो लोग क्या होता है वो कैपजेमिनी से डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट में रहते हैं और आपको क्रेडेंशियल मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज प्लेसमेंट सेल से, ठीक है, और आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं, मेरा कल इंटरव्यू था एंड अभी मुझे सेलेक्टेड इन कैपजेमिनी की मेल आई, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एनी आइडिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है कैपजेमिनी में तो सबसे पहले LOI आता है, लेटर ऑफ इंटेंट, उसके बाद जो है आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होती है अडैप्ट प्लेटफॉर्म पे, फिर 2.5 से 3 महीने के बीच में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, फिर आपको जा करके ऑफर लेटर आता है, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आता है, फिर किस लोकेशन पर आपको बुलाया जाएगा, तो वो सारे प्रोसीजर होते हैं। मुझे कैपजेमिनी का सिलेक्शन 11 जनवरी को आया था बट अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, क्या करें, छोड़ दे आशा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बिल्कुल भी आशा नहीं छोड़नी है आपको, और अभी तक मेल सारे आ रहे हैं और लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी आशा नहीं छोड़नी, आपको भी मेल आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है कैपजेमिनी में, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से कैपजेमिनी भी एक तो मास रिक्रूटिंग कंपनी है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको वेट करना है, मेल आ जाएगा। और जिनको भी अभी तक रिजेक्शन और सिलेक्शन का मेल नहीं आया है तो वो भी जल्दी आ जाएगा, तो सारी चीज़ें प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगी, आपको बस वेट करना है, बट आपको बैठना नहीं है कि मान लीजिए दूसरी कंपनी आई आप बैठे पड़े हैं कैपजेमिनी से रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं, आपको बैठना है, फिर भी चाहे LOI आ गया है, कुछ भी हो, आपको दूसरी कंपनी में भी अप्लाई करते रहना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है।
और अभी सबसे ज़्यादा हायरिंग इन्फोसिस की निकली हुई है, तो इन्फोसिस में भी आप अप्लाई कर दीजिए। और मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी डाल रखा है, और कैपजेमिनी से रिलेटेड तो 8 से 10 वीडियो मैंने डाल चुका है कैपजेमिनी से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा कि अगर इंटरव्यू नहीं हुआ है तो किस तरीके से आपको इंटरव्यू जो है क्रैक करना है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन है कि भाई मेरा इंटरव्यू 18 जनवरी को हुआ था और मेरे दोस्तों का भी उसी दिन हुआ था, सेम दिन कुछ लोगों को रिजेक्शन मेल आ गया था और 24 जनवरी को मेरे सभी दोस्तों को LOI आ गया, सिर्फ मुझे नहीं आया है कुछ भी LOI और रिजेक्शन मेल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी आपका इंटरव्यू जैसे कि 18 जनवरी को हुआ था, आपके दोस्तों को रिजेक्शन का मेल आ गया क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, या फिर उनका जो बेसिक क्राइटेरिया है और इंटरव्यू हो सकता है अच्छा ना गया हो, या फिर उनका जो सिडो कोड राउंड जितने भी राउंड है हो सकता है उसमें बाहर हो गए हों, सारी जो कट ऑफ होता है कैपजेमिनी सा उससे बाहर हो सकते हैं। बट अगर अभी तक आपको इंटरव्यू या फिर रिजेक्शन का मेल नहीं आया तो आपको वेट करना है। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि इनके दोस्तों का 18 को हुआ और 24 को LOI भी आ गया, तो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, बट अगर आपको मेल आना स्टार्ट हो जाता है तो आपको जल्दी ही सारे प्रोसीजर हो जाते हैं, लेकिन आपको बैठना नहीं है। अगर मेल आ जाएगा अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते रहिए, आपको बैठना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 2022 की हायरिंग चल रही है और आपको अप्लाई करते रहना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो इंटरव्यू होता है वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, कभी कभी वो टेक्निकल से रिलेटेड पूछता है, कभी कभी HR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप 10 जावा क्वेश्चन भी बना दिया है आप लोगों के लिए, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और मैं आपको टॉप 10 SQL क्वेश्चन भी बताऊँगा। अगर आप एक CS ब्रांच है आप उसे देख भी सकते हैं, और मैंने 8 से 10 वीडियो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है आप वो जा करके देख लीजिए। तो इंटरव्यू के बाद तो रिजेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। मास रिक्रूटिंग कंपनी में अगर आपका इंटरव्यू तक पहुँच गए हैं तो बहुत ही कम चांसेस होता है कि इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दे, बट ये भी एक चांस होता है कि कैपजेमिनी में जो बेसिक क्राइटेरिया है अगर वो फुलफिल नहीं हुआ है, और मान लीजिए आपकी जो सीडो कोड राउंड है, कम्युनिकेशन राउंड है, गेमिंग राउंड है, ये सारे राउंड अगर मान लीजिए इनका कट ऑफ नहीं क्लियर हो पा रहा है आपका, क्योंकि कैपजेमिनी एक कट ऑफ रखती है, उसके बेस पर डिसाइड करती है कि आपको इंटरव्यू का मेल आएगा कि नहीं, और अगर इंटरव्यू का मेल आ जाता है उससे भी रिजेक्ट हो सकते हैं, तो हो सकता है पूरी प्रोसीजर में आपका कुछ चीज़ें अच्छी ना हुई हो, इसी वजह से आपको रिजेक्ट किए हो। तो अगर रिजेक्शन का मेल आ गया है तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करिए, और अभी तक मान लीजिए रिजेक्शन का मेल नहीं आया तो आपको वेट करना है, वेट करना है मेल के लिए, वेट करना है बस, बट आपको जो है दूसरी कंपनी में अप्लाई करते रहना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं यहाँ पर चैनल पर दे दूँगा। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपको यहाँ पर मेरी जो टिप्स है वो यही है, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि वेट करेंगे और आपको लीजिए नहीं आया तो फिर आपके टाइम बर्बाद होगा। तो आपको यहां पे और भी कंपनीज में अप्लाई करते रहना है, बट आपको मेल आ जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 2022 बैच की हायरिंग चली रही है, तो आपको बस वेट करना है, ठीक है। तो अभी तक मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरी टिप्स है कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।